नमस्कार दोस्तों, थिंक एंड ट्रैवल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ तेज प्रताप। आज आपको लेकर आया हूँ वेस्ट टू वंडर पार्क। यहाँ दुनिया के 7 आश्चर्य 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड मौजूद है। ये जगह सराय काले खान निजामुद्दीन के पास है और नज़दीकी मेट्रो स्टेशन निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन है। दोस्तों, पार्क को राजीव गांधी स्मृति वन के नाम से भी जाना जाता है। पार्क सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहता है। यहाँ की एंट्री टिकट्स संडे को डबल रहती हैं और मंडे को ये पार्क क्लोज रहता है। एडल्ट्स की टिकट ₹50 की है और 3 से 12 साल के बच्चों की टिकट ₹25 की है। वेस्ट टू वंडर पार्क में आप दुनिया के 7 देशों के 7 अलग अलग अजूबों के रेप्लिकास को देख सकते हैं। ये पार्क HDMC ने पुराने वाहन नट बोल्ट, टायर, पंखे, आयरन रोड्स जैसे स्क्रैप का इस्तेमाल करके लगभग 7.5 करोड़ रुपए में तैयार किया है। ये दुनिया का पहला ऐसा पार्क है जो लगभग 150 टन स्क्रैप यूज करके बनाया गया। इसका इनॉग्रेशन 21 फरवरी 2019 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा किया गया। पार्क पूरे 7 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पार्क के अंदर कई रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ बैठकर काफी कुछ खाया जा सकता है। तो चलिए आपको सारे 7 अजूबे ऑर्डर वाइज दिखाता हूँ। वेस्ट टू वंडर पार्क का सबसे पहला अजूबा है पिरामिड्स ऑफ गीजा, जो कि इजिप्ट में है। इस पिरामिड्स ऑफ गीजा को कुल 10 से 12 टन स्क्रैप का इस्तेमाल करके बनाया गया है। वेस्ट टू वंडर पार्क का दूसरा अजूबा है लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, जो कि इटली में है। इसे साइकिल रिम्स, मेटल की सीट्स, पुराने लोहे की पाइप्स जैसे स्क्रैप का इस्तेमाल करके बनाया गया। वेस्ट टू वंडर पार्क का तीसरा अजूबा है एफिल टावर, जो कि पेरिस फ्रांस में है। इसे करीब 40 टन वाहन के हिस्सों के साथ 70 फीट जितना ऊंचा बनाया गया और असली वाले एफिल टावर की हाइट 324 मीटर है। अब वेस्ट टू वंडर पार्क का चौथा अजूबा है कोलोसियम, जो कि इटली में है। कोलोसियम को इलेक्ट्रिक पोल, कार व्हील्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, मेटल रेलिंग्स जैसे वेस्ट मटेरियल्स की मदद से बनाया गया। इसकी ऊंचाई 16 फीट है। वेस्ट टू वंडर पार्क का पांचवा अजूबा है आगरा का ताजमहल। ताजमहल के बारे में आप सब जानते ही होंगे, जो शाहजहां ने अपनी रानी मुमताज की याद में 1632 में बनवाया था। और इस ताजमहल के रेप्लिका को टूटे हुए पार्क के बेंचेस, झूले और पाइप्स का इस्तेमाल करके बनाया गया। वेस्ट वंडर पार्क का छठा अजूबा है क्राइस्ट द रिडीमर, जो कि रियो ब्राजील में है। इसे पुराने इंजन, पाइप और इलेक्ट्रिक पोल का इस्तेमाल करके यहां बनाया गया। वेस्ट वंडर पार्क का सातवां और आखिरी अजूबा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो न्यूयॉर्क USA में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पुराने साइकिल के हिस्से, मेटल शीट और चेनों का इस्तेमाल करके यहां बनाया गया। इस पार्क के लास्ट में आप छोटा सा वाटरफॉल भी देख सकते हैं, जो पार्क को और भी ज़्यादा सुंदर बनाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।